और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता पुलिस स्टेशन पहुंची हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं तनुश्री दत्ता। तनुश्री अपना बयान पुलिस के सामने दर्ज करवाएंगी। नाना पाटेकर पर आरोप लगाया है तनुश्री दत्ता ने यौन शोषण करने का। तो तनुश्री दत्ता इस वक्त पुलिस स्टेशन पहुंची हैं और पुलिस के सामने वो अपने बयान दर्ज करवाएंगी। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं तनुश्री दत्ता और वहां पर वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगी पुलिस के सामने। तो ये मामला तनुश्री दत्ता लगातार नाना पाटेकर को लेकर जिस तरह से उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है उसके बाद ये मामला और बड़ा हो गया है और एक तरह से ये मीटू कैंपेन की शुरुआत तनुश्री दत्ता के आरोपों के बाद से हो गई है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं यौन शोषण को लेकर। एक के बाद एक लगातार महिलाएं मुखर तौर पर सामने आ रही हैं। तो तनुश्री दत्ता इस वक्त मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची हैं। हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अंकुश, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, तनुश्री दत्ता मुंबई की ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची है। हालांकि अटकलें कल से लगाई जा रही थी कि तनुश्री दत्ता कल पहुंचेगी, लेकिन अब 7 बजे के आसपास करीब ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची है अपना बयान दर्ज कराने के लिए। ये पूरे मीटू कैंपेन के तहत तनुश्री दत्ता सबसे पहले आगे आई थी और उन्होंने 10 साल पहले अपने साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसके बारे में अपना जो अनुभव है वो साझा किया था और शनिवार के दिन एक लिखित शिकायत दी थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कि उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया गया था। और जो इसमें कल्प्रिट है यानी आरोपी है, नाना पाटेकर का नाम था, गणेश आचार्य का नाम था, समीर सिद्दीकी जो कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर, उनका भी नाम था, कि इन सभी के खिलाफ 354A जैसे गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई जाए। तो उसी सिलसिले में एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है। पहले लिखित शिकायत दी गई तनुश्री दत्ता के ओर से और अब वो पुलिस स्टेशन पहुंची है अपना बयान दर्ज कराने के लिए और कुछ सवाल जवाब भी करेगी मुंबई पुलिस। बिल्कुल, अकेली पहुंची हैं, साथ में उनके कोई और भी है और किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ तनुश्री आगे बढ़ रही हैं वो भी बताइए। जी बिल्कुल, तनुश्री ने अपना मन बना लिया है। हालांकि मामला 10 साल पुराना है, 10 साल पहले भी एक FIR दर्ज की गई थी लेकिन वो FIR थी वो गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। मीडिया ने के साथ तनुश्री दत्ता की बदसलूकी की गई थी, कुछ वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें किस तरीके से तनुश्री की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी विंडस्क्रीन है उस पर कैमरा पकड़ा जा रहा है, उनकी गाड़ी की हवा निकाली जा रही है, ये सब मामले की FIR हुई थी लेकिन उस FIR में कहीं पे भी नाना पाटेकर या फिर मॉल स्टेशन का जिक्र नहीं था। तो अभी जाकर जब तनुश्री दत्ता ने 10 साल बाद अपने जो अनुभव है उसको साझा किया है मीटू कैंपेन के तहत, तो इस मामले को लेकर एक अलग से लिखित शिकायत दी है और शायद वो लीगल पहले ही अपने मन बना चुकी है कि लीगली फाइट करने के लिए, और इसलिए लीगल ओपिनियन के तहत वो शनिवार के दिन पहुंची थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में और अब जाकर वापस से पहुंची है अपना बयान दर्ज कराने के लिए। शनिवार के दिन लिखित शिकायत के लिए पहुंची हुई थी। ये अंकुश फ्रेश रिपोर्ट है, ये फ्रेश शिकायत है या उसी के कंटिन्यूएशन में है जो पहले वो शिकायत दर्ज करवा चुकी है? नहीं, ये फ्रेश शिकायत है क्योंकि 2008 में जो है जब FIR हुई थी तो उसमें कहीं पे भी मॉल स्टेशन या फिर जो उनके साथ दुर्व्यवहार था गाने को लेकर और यह कोरियोग्राफर को लेकर उसकी कहीं पे भी जिक्र नहीं था। तनुश्री के साथ कुछ मीडिया वालों ने बदतमीजी की थी, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया था, पंचर किया गया था, वो जिक्र था, उसके मामले में FIR दर्ज की गई थी। हालांकि ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी हो चुका था लेकिन अब जाके मॉल स्टेशन की और कुछ जो चोट पहुंचाने जैसी गंभीर धाराएं चाहती है तनुश्री दत्ता की FIR दर्ज हो इन सब गंभीर धाराओं के खिलाफ, और वो लीगल ओपिनियन भी ले रही है। तनुश्री दत्ता ने एक वकील को भी हायर किया है और वकील के कहने पे ही शनिवार के दिन ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। कल जो उनके वकील है तनुश्री दत्ता के वो उनके घर पहुंचे हुए थे शाम के वक्त और काफी डिस्कशन हुआ, काफी लंबी बातें हुई दोनों में और लीगल ओपिनियन तनुश्री दत्ता ले चुकी है और उसी के तहत वो आगे बढ़ती है और अब जाकर उसी की प्रोसेस के तहत ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची है अपना बयान दर्ज कराने के लिए। बयान भी दर्ज हो गया और साथ ही साथ मुंबई पुलिस शायद कुछ सवाल जवाब करे क्योंकि प्रोसीजर जो प्रोसेस होता है उसका एक भाग ही है। बिल्कुल, तो आज जो मुख्यतः बात होगी वो नाना पाटेकर को लेकर ही वो अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी या फिर फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो तमाम लोग जिनका जिक्र वो कर चुकी हैं सभी का नाम होगा? शिकायत वो पहले से कर चुकी है, जैसा कि मैंने कहा शनिवार के नहीं पहुंची थी, एक लिखित शिकायत। शिकायत दो तरीके से होती है, पहले एक लिखित शिकायत दी जाती है या वो पुलिस का एक पूरी तरीके से अधिकार होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अधिकार होता है कि वो लिखित शिकायत को सीधे वो FIR में तब्दील करे या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद लिखित शिकायत को FIR में तब्दील करे।
तो यहाँ पर वही किया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि वो पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी। जो लिखित शिकायत है उसमें सभी चारों लोगों के नाम थे, नाना पाटेकर का नाम था, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य का नाम था, जो ऑन ओके फिल्म के निर्माता है समीर सिद्दीकी उनका भी नाम था, और जो डायरेक्टर थे सारंग उनका भी नाम था। तो चार लोगों का नाम वो पहले ही दे चुकी है और इनके वो धाराएं भी बता चुकी है कि किस धाराओं के खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लिखित शिकायत थी, लिखित शिकायत के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, एक प्रोसीजर होता है, और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अधिकार होता है कि वो लिखित शिकायत के बाद सीधे एफआईआर दर्ज करे या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर दर्ज करे। क्योंकि यहाँ पे मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल है, नाना पाटेकर का नाम इन्वॉल्व है, एक अभिनेत्री का भी नाम इन्वॉल्व है तनुश्री दत्ता का, तो पुलिस का कहना है कि वो पूरी तरीके से पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो पहले तो जांच यानी कि करेगी आज अंकुश किसी मामला पुलिस की का तरफ से पता बुलाया चले। गया है तनुश्री दत्ता को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। पुलिस जब लिखित शिकायत दी गई थी तभी पुलिस ने कहा था तनुश्री दत्ता को, आप कभी भी आइए और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस है। मामला 10 साल पुराना है और पुलिस जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व है उन सभी से पूछताछ करेंगी, जांच पड़ताल करेगी। तो पुलिस ने पहले ही तनुश्री दत्ता को कहा था कि आप आइए अपना बयान दर्ज करिए। हालांकि तनुश्री दत्ता कभी भी आ सकती थी, अटकलें जैसा कि मैंने कहा कि लगाई जा रही थी कि कल तनुश्री दत्ता पहुंच सकती थी, लेकिन वो कल नहीं पहुंची। शाम को उनके लॉयर बिल्कुल, उनके घर वाला थे, उनके घर जरूर पहुंचे और तो काफी हो जल्दी आ सकता है सकती तनुश्री दत्ता के बयान के बाद फिर नाना पाटेकर को भी बुलाया जाए, उनसे भी जी। बिल्कुल, पूछताछ। जैसा कि इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि उनके वो उनका बयान दर्ज करना चाहे, नाना पाटेकर से कुछ सवाल जवाब करना चाहे, तो हो सकता है नाना पाटेकर को बुलाया जाए या फिर पुलिस नाना पाटेकर के घर भी उनका पूरा इस पूरे मामले में उनके पहलू जानने के लिए आखिरकार हुआ क्या था। तो ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, पूरा तरीके से पुलिस का अधिकार है। हाँ, लेकिन अगर तनुश्री ठीक दत्ता है, पहुंची हुई है स्टेटमेंट लेने के लिए, जो कि मामला काफी हाई प्रोफाइल है, मीडिया में भी काफी धूल पकड़ चुका है, इसलिए पुलिस आने वाले दिनों में नाना पाटेकर से भी बात करेगी। नाना पाटेकर को कि वो पुलिस बिल्कुल स्टेशन बुलाया जाएगा या फिर पुलिस उनके घर जाएंगी उनसे बातचीत करने के लिए, वो अभी तय नहीं है। बिल्कुल, यानी कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जो लिखित शिकायत है उसी पर जांच पड़ताल की जा रही है, उसी पर पुलिस आगे बुलाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, यानी कि पहले जांच होगी, पहले छानबीन होगी, उसके बाद ही हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो एफआईआर दर्ज करे। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश इस जानकारी के लिए। तो तनुष